अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो स्किन्स, और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है जो कि आप इफ़ार पे भी बना सकते हैं और नॉर्मल डेज पे भी बना सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, चिकन चंक्स और वाइट सॉस, मोत्सरेला चीज़, इसके अलावा आलू का इस्तेमाल हुआ है, तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वाइट सॉस है। वाइट सॉस मैं अपनी अक्सर रेसिपीज़ में बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप इसको बनाइए। ये तकरीबन एक कप के जितनी वाइट सॉस है। इसके अलावा यहाँ पे चिकन चंक्स हैं। चिकन चंक्स की सेपरेट रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग उस रेसिपी को यूज़ करते हुए चिकन चंक्स बनाइए और ये इसमें यूज़ होंगे। इसके अलावा कुछ हरी प्याज यूज़ होगी और शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से काट ली है लंबी लंबी, और ब्लैक ओलिव्स हैं, और इसके अलावा ओरेगनो है थोड़ा सा, और एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और यहाँ पे कद्दूकश किया हुआ मोत्सरेला चीज़ है। सारे इंग्रेडिएंट्स आप वैसे अपने मर्ज़ी के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। अब इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, मैंने ओवल साइज़ के आलू लेके उनको उबाल लिया था, और ये उबले हुए आलू हैं। मैंने इनको पूरा नरम नहीं किया था, पूरे तरीके से इसको उबालना नहीं है क्योंकि फिर ये टूट जाएंगे, बहुत नरम हो जाएंगे। थोड़ी बहुत इसमें कसर रहने देनी है ताकि जब आप इसको बाद में बेक करेंगे तो उस वक्त ये पूरे तरीके से पक जाएंगे। तो अब मैं बीच में से थोड़ा थोड़ा जो आलू है वो निकाल रही हूँ ताकि एक वेल बन जाए, एक गड्ढा बन जाए जिसमें मैं इंग्रेडिएंट्स डाल सकूँ। तो थोड़ा सा ही हटाना है, बस इतना कि चीज़ें आप इसमें डाल सकें, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है इसको क्योंकि फिर ये टूट भी जाएगा, और फिर जब इसमें आलू ही नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या आप खाएंगे फिर। तो ये करने के बाद मैं सारे तरीके से मैंने कर दिए हैं, लेकिन ये जो आलू मैंने इसमें से निकाला है वो ज़ाया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। मैं इसको मैश कर रही हूँ, और मैश करने के बाद मैं ये डाल दूँगी वाइट सॉस में। तो ये वाइट सॉस मेरे पास है जिसमें मैं ये मैश किए हुए आलू डाल रही हूँ, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इसको यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालूँगी, और कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए, और फिर मैं बाकी के प्रोसीजर आपको समझा दूँगी। तो ये वाइट सॉस और आलू का मिक्सचर बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ असेंबलिंग की तरफ, और आप देखिए कि किस तरीके से मैं इन आलूओं में फिलिंग करती हूँ और बाकी मैं क्या चीज़ें करती हूँ, या फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो मैंने इसमें ये वाइट सॉस डाली है, और बहुत ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि और भी चीज़ें आएँगी और फिर आप ज़्यादा भर देंगे तो वो सब निकल जाएगा बाहर। तो ये डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर मोत्सरेला चीज़ जो कि मैंने कद्दूकश किया हुआ है वो डाल दिया है, और इसके बाद मैं चिकन चंक्स डालूँगी ऊपर, फिर ब्लैक ओलिव्स डालूँगी, और शिमला मिर्च और हरी प्याज, इसके अलावा ओरेगनो फिर ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको शुरू में मैंने बताए हैं आपको वो यूज़ करने हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो। और हमेशा की तरह अगर आपको मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा करना है वो आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से आप जितनी खाते हैं वो आप यूज़ कीजिए। और इस तरीके से मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, और आप फॉलो कीजिए कि मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने बना लिए हैं, और अब बारी आती है ग्रिल ऑन करके। बस मैं इनको इतनी देर रखूँगी अवन में कि इनका चीज़ मेल्ट हो जाए, कोई चीज़ इसमें कच्ची नहीं है जिसको पकने की ज़रूरत हो, बस चीज़ मेल्ट करना है और थोड़ी देर के लिए अवन में रखना है। और इस तरीके से बहुत ही गोल्डन और मज़ेदार से पोटैटो स्किन्स तैयार हो जाएंगे।
आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पे कोशिश किया करें कि कुछ नया ट्राई करें, वैरायटी लेके आएं और यूजुअल चीज़ों से हटके, पकौड़े समोसे से हटके कुछ नया बनाएं, और आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा और आपके टेस्ट बड्स को भी मौका मिलेगा कि वो नए फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस कर सकें और एक्सप्लोर कर सकें। तो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पोटैटो स्किन्स ट्राई कीजिए, चीज़ी चिकन मज़ेदार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।